अगर आप आज की बताई हुई पांच बातों को याद रख लेंगे तो आप एड सिरा पर कभी नाकाम नहीं होंगे, 100% अर्निंग करेंगे। जारी बात है, हर बंदे का मकसद यहां से अर्निंग करना होता है। फ्रेंड, ये आज की वीडियो आप लोगों के भरपूर इसरार पर, आपके सवालों पर तैयार की गई है। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आप आज की बताई हुई पांच चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो फिर आप 100% कामयाब होंगे, मेरी गारंटी है। फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं लर्न द हसल चैनल। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, मैं मेरा एड सिरा पर पूरा कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट बिगनर्स के लिए है एड सिरा कंप्लीट कोर्स के नाम से, और दूसरी प्लेलिस्ट जो है उसमें एड सिरा प्रो 2024 के नाम से है, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए है, और उसमें एड सिरा की मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स पड़ी हुई है। तो चलते हैं आज की वीडियो का आगाज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है आप लोगों ने, बस और कोई डिमांड नहीं है आप लोगों से। सबसे पहली बात जो डिस्कस हम लोग करेंगे वो है डायरेक्ट लिंक। आप लोग बार बार पूछते हैं डायरेक्ट लिंक कितने क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग एक अकाउंट के ऊपर 10 डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने ये 5 डायरेक्ट लिंक क्रिएट किए हुए हैं। एड सिरा की एक नई अपडेट आई है जिसके मुताबिक आप अपने डायरेक्ट लिंक नए क्रिएट कर लेंगे तो उसमें एंटी एड ब्लॉकर भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर तो आप लोगों ने अपने डायरेक्ट लिंक नए क्रिएट नहीं किए तो आप अपने डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर लें ताकि आप भी उस ऑफर से फायदा उठा सके। अच्छा, अलग अलग लिंक का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब आप किसी भी सोशल मीडिया पर कहीं भी इसको पेस्ट करेंगे ना, तो वो आपकी आईडी है, देखिए प्लेसमेंट आईडी है, ये सब की चेंज होती है, तो उससे फिर आपका सिंगल लिंक कंसिडर नहीं होता। सपोज आपने 5 पोस्टें डाली हैं और 5 अलग अलग लिंक से डाली हैं, तो सोशल मीडिया उसको एक पोस्ट कंसिडर करेगा आपकी तरफ से। सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ये देखें ये लिंक आ गया। नीचे आता हूँ मैं, उसके बाद ये सेकंड को कॉपी करता हूँ मैं, इसको पेस्ट करता हूँ, और आप देखिएगा ये मेरा लिंक और है। नंबर थर्ड पर आता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और उसको पेस्ट करता हूँ, तो मेरा ये लिंक और है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, ये और है, ये और है, ये और है। ऐसे ही अगर आपने ज्यादा लिंक क्रिएट किए होंगे ना, तो फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा सोशल मीडिया की तरफ से, आपका अकाउंट बैन होने का खतरा या आपकी पोस्ट रिमूव का खतरा कम हो जाएगा। अभी मेरे से एक बच्चे ने सवाल किया था, कल की बात है या शायद परसों की बात है, उसने कहा जी जब मेरे पास ट्रैफिक यूएसए की है, लेकिन जब मेरे पास एड जो शो हो रही है वो शो हो रही है पाकिस्तान की या उर्दू में। तो होता ऐसे है कि आपके पास जिस कंट्री में लिंक ओपन हो रहा होता है, आपके पास उस कंट्री की एड शो हो रही होती है। जब आपके उस एड के ऊपर या डायरेक्ट लिंक के ऊपर कोई फॉरनर क्लिक करेगा, यूएसए का बंदा क्लिक करेगा, तो जो एआई सिस्टम होगा एड सिरा का, वो ऑटोमेटिकली उसको उसके रीजन की, उसके कंट्री की एड दिखाएगा। इसके बाद जो सेकंड चीज है वो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपना एक पर्सनल पेज बनाए एफपी के ऊपर और उसकी एक नीच या कैटेगरी रखें। मैं आपको फेसबुक पर लेकर जाता हूँ और ये देखें आप लोग, यहाँ पर फारदीन टीवी ऑफिशियल है ये वाला, इसके 13 मिलियन व्यूज है। ये क्या करते हैं जी, ये फनी प्रैंक्स, फनी चीजें इसमें डालते हैं। आप अंदाजा करें, इस बंदे ने ये पोस्ट दिसंबर में डाली है 2023 में, और इसमें 13 मिलियन व्यूज आ गए हैं 4 महीने के अंदर। तो आप इस तरह की कैटेगरी में जब आप देखेंगे ना, काम करेंगे, तो फिर आपके पास भी बहुत अच्छी ऑडियंस आ जाएगी। चीज आपने याद रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि आपने कुछ दिन तक सिंपली काम करना होता है, उसके बाद आपने उसमें लिंक शेयर करना होता है। लिंक शेयरिंग ऐसे नहीं करनी होती आपने इसके अंदर। तो इसमें अगर आप इस तरह से काम करेंगे ना, तकरीबन कम से कम 15 से 20 दिन तक पोस्ट सिंपल डालें, उसके बाद आप लोग इसमें अपनी लिंक वाली पोस्ट डालना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको उससे अच्छी अर्निंग हो जाएगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इसमें आप लोग अपना नीचे डायरेक्ट लिंक लगा सकते हैं, इसके नीचे फॉर मोर क्लिप्स लिख के या डायरेक्ट लिंक लगा दें, और आपके जो डायरेक्ट लिंक होगा उसको, उसके पीछे बैकग्राउंड में आपने अपना एक पेज बनाना है ब्लॉगर का, और उस ब्लॉगर के पेज के ऊपर आपने भी कुछ फनी क्लिप्स रख देनी है ताकि जो बंदा वहां पर जाए उसको वो वहां से मिल जाए। नंबर थर्ड पर जो चीज अपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने एक दिन में एक लिंक सिर्फ शेयर करना है एक अकाउंट से, उससे ज्यादा आप लोगों ने लिंक शेयर नहीं करने। अगर आप उससे ज्यादा लिंक शेयर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है आपके लिए। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास जो है वो, जो आपको फेसबुक या सोशल मीडिया से है वो ब्लॉक कर देंगे, और उसमें फिर वो ब्लॉक करने से आपका फिर जो है वो, जैसे आप पोस्ट डाला करेंगे उसमें आपके पास जो है वो उसकी लिमिटेशन हो जाएगी और उसकी रीच नहीं बनेगी।
आपको क्योंकि रीच चाहिए होती है, तो इसीलिए वो रीच जो है वो बनाने के लिए आपको डेली बेस पर सिर्फ एक पोस्ट डालना होती है, उससे ज्यादा पोस्टें नहीं, सॉरी एक लिंक शेयर करना होता है, उसमें ज्यादा लिंक शेयर नहीं करने होते। अब ये देखिए ना आपके सामने ये 676K व्यू, 1.7 मिलियन व्यू, 13 मिलियन व्यू, 5 मिलियन व्यू, 8.8 मिलियन व्यू, 1.3 मिलियन व्यू, इन्होंने क्या किया हुआ है? इन लोगों ने 10 मिलियन व्यू, 3.5 मिलियन व्यू, इन लोगों ने क्या किया हुआ है? इन्होंने एक ही नीच पर काम की हुई है, किया हुआ है ये 106K व्यूज। ये 13 मार्च, आज कितनी है जी? आज 21 मार्च है, मतलब टोटल 9 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, और ये देखें आप अंदाजा करें 106K व्यूज हो गए हैं। इसमें देखें 912K व्यूज, तो ये जो भी आपके सामने शो हो रही है 68K व्यूज, इन लोगों ने क्या किया? अजीजुर रहमान है जी ये दुनिया की जरूरत है। अच्छा उसके बाद व्हाट इज गोइंग इन पेशावर, ठीक है जी, ये इसमें मोस्टली आप देखेंगे ना पेजेस जो है वो पेजेस पाकिस्तानियों के हैं, पाकिस्तानियों ने या तो फॉरनर्स के नेम से क्रिएट किए हुए हैं या फिर उन लोगों ने अपने किसी अपने नाम से क्रिएट किए हुए ऑफिशियल टीवी टाइप के बना के। तो ये 16 मिलियन व्यूज देखें, 2.7 मिलियन व्यूज, ये सारे देखें आप मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, कम से कम 500-600K तो जरूर टच कर रहे हैं। तो फ्रेंड आप इस पर काम करें। सेकेंडली जो चीज आपके पास नंबर 4 पर आती है वो ये है कि आपने व्यूअर्स को मिसगाइड नहीं करना। व्यूअर्स को मिसगाइड इसलिए नहीं करना क्योंकि वो आपका एसेट है, अगर एक बार किसी को मिसगाइड कर देंगे तो दोबारा के पेज पर नहीं आएगा। और इंप्रेशन तब बनते हैं जब बार बार लोग आपकी वीडियोस पर आपके पेज पर आ रहे हो, तो उससे आपके इंप्रेशन बढ़ते हैं, ये इंप्रेशन बढ़ाने का तरीका होता है। और जिस तरह मैंने बताया आपको एक अपना ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट करके जो आपकी नीच हो उसी नीच से मतलब कुछ वीडियोस या इमेजेस या पोस्ट या जो भी है वो डाल दें, ताकि जब बंदा आपका जो व्यूअर है वो रिडायरेक्ट हो तो वो उसी पोस्ट पर जाए। और नंबर 5 पर जो चीज आपने करनी है वो आपने करनी है, आपने ब्लॉगर जो है उस ब्लॉगर के अंदर थीम जरूर लगाना है अपनी कैटेगरी से रेलिवेंट। अपनी कैटेगरी से रेलिवेंट थीम किस तरह लगाना होता है ये थंबनेल शो हो रहा है, इसमें मैंने आप लोगों को एक फ्री थीम लगाना भी सिखाया है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोग अपनी कैटेगरी का फ्री थीम कैसे ले सकते हैं। थीम का फायदा ये होता है कि वो बंदा आपके पोस्ट पर आकर रुकता है, उसका रुकता इसलिए आके क्योंकि उस वहां पर आपकी जो सेटिंग सारी की होती है ना वो बहुत जबरदस्त होती है। तो इसीलिए ना आप लोगों ने थीम जरूर लगाना है, और जो ना चीज समझ आए वो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेनी है। फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो लेके आप सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।